काली टोपी और हरी टोपी लगा के हम लोग जा रहे हैं। हाँ, हम लोग जा रहे हैं आज बाना हिल्स के लिए, और ये सबसे पॉपुलर टूर होता है डानांग में। गड्डी अपनी आ चुकी है और इसी के थ्रू जाने वाले हैं, और भी लोगों को पिक करने वाले हैं। हाँ, और भी लोग को पिक करेगी अभी गाड़ी, और फिर उसके बाद जाएंगे। तो फिलहाल सबसे पहले हम ही लोग को पिक किया है। ये अपना होटल है, ग्रैंड मर्क्यूर होटल है, और धूप काफ़ी है, गर्मी बहुत है, तो अंदर ही चलते हैं। वही हाँ, आज दूसरे होटल सस्ते वाले में चेक इन करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे हम आगे वीडियो में आपको, ताकि आप लोग को सस्ता ऑप्शन भी मिल जाए। डानांग वियतनाम की सबसे खूबसूरत और रिच सिटी में से एक है, जहां माउंटेन्स से लेकर बीच और कलरफुल नाइट्स जैसे खूबसूरत ऑप्शंस मिलते हैं। डानांग हनोई और हो ची मिन सिटी के बीचों बीच पड़ता है। दोनों ही सिटी से यहां बाय बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंचा जा सकता है, लेकिन सबसे मजा आता है ट्रेन से आने में। डानांग सिटी से बाना हिल्स की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, और ये पूरे दिन की ट्रिप होती है, जिसके लिए आपको डे पैकेज लेना होता है। अब उतर गए हैं गाड़ी से और फॉलो कर रहे हैं बस इसको। ये टूर मैं कर रहा हूँ लिली ट्रैवल्स के थ्रू, और उन्होंने पूरा अरेंज किया है। क्या प्राइस लगता है, क्या डिटेल्स है, सब जानेंगे आगे। पूरे पैकेज की मैं डिटेल आपको बता दूंगा। वैसे आप पूरे वियतनाम में कहीं भी पैकेज बुक कराना चाहते हैं, पूरी ए टू जेड होटल बुकिंग से लेके साइट सीन एवरीथिंग, आप लिली ट्रैवल्स के थ्रू करवा सकते हैं बुक। बाकी फ़िलहाल तो चलते हैं और ये बाना हिल्स के ट्रिप करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी सराउंडिंग्स है, लग रहा है यूनिवर्सल स्टूडियो में आ गए हैं सिंगापुर के, ऐसा कुछ फील आ रहा है। जो टिकट है वो मेरे हाथ में आ चुका है, कुछ ऐसा छोटा सा टिकट है। अब इस छोटे से टिकट में ये वर्थफुल होता भी है या फिर नहीं, ये तो पता चलेगा ऊपर जाकर ही। इसमें केबल कार भी है, लंच वगैरह का भी है, तो लंच भी यहाँ पे क्या मिलता है, वेजिटेरियन का कुछ ऑप्शन है, फूड ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं वर्थफुल, वो भी जानेंगे, और टिकट प्राइस भी आगे जानेंगे। बाना हिल्स में हर दिन हजारों टूरिस्ट आते हैं, और मेन बाना हिल्स तक पहुँचने के लिए आपको केबल कार के थ्रू ही जाना होता है। केबल कार के अंदर आ गए हैं, और कुछ ऐसा है अंदर, पूरा ऐसा नहीं है कि फुल कर देते हैं, पूरा भर नहीं जाती है, और एक दो नहीं, आपको वहाँ दूर दूर तक केबल कार कई सारी दिखेंगी। ये हमारा है, और इसके बगल में भी एक है, उस साइड भी दो मुझे दिख रही हैं, दो या तीन दिख रही हैं, सो बहुत सारी है यहाँ पर। बाहर कुछ ऐसा केबल कार से ऊपर पहुँचते ही आपको वो दुनिया दिखती है, जिसे देखकर शायद आपको हैरी पॉटर की जादुई दुनिया याद आ जाए। जिस केबल कार से मैं आया था वो अब मेरे ऊपर चल रही है, क्योंकि ये फेज टू तक जाती है, अभी फेज वन पे हूँ मैं, और ऐसे पता नहीं कितने फेज हैं, मुझे अभी नहीं मालूम है। और अभी मुझे दिख गया था जो यहाँ का गोल्डन ब्रिज है, वहाँ पे अभी जाऊँगा मैं, लेकिन उससे खूबसूरत मुझे यहाँ का अभी फिलहाल जो ये नया ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो लग रहा है, बिल्कुल वो जो हैरी पॉटर की मूवी में होता था ना, वैसा कुछ इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। हालांकि ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, सो अभी शायद ओपन नहीं है, अगर ओपन होगा तो मैं ज़रूर उधर तक जाऊंगा। फिलहाल यहाँ एकदम थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है, ठंड मतलब वैसी नहीं लग रही है, पर ठंडा मौसम लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ऊँचाई पर आ गए हैं। बाना हिल्स पर देखने के लिए काफी कुछ है, जिनमें शुरुआत होती है यहाँ पर गार्डन्स और लॉर्ड बुद्धा की बड़ी सी स्टैचू से, लेकिन जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ का गोल्डन ब्रिज, जो दो हाथों पर बना स्ट्रक्चर वाकई में बहुत ही प्यारा लगता है। बाना हिल्स पे जिस जगह लोग जरूर आते हैं वो है ये ब्रिज, ये है गोल्डन ब्रिज यहाँ का, और गोल्डन कलर की इसकी रेल्स हैं, हैंड रेल्स हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ये हाथ वाला ना, ये आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ड्रोन शॉट मैंने लिया है, आप देखोगे तो बहुत प्यारा लगेगा, और यहाँ पे लोग फोटोज़ वगैरह खूब क्लिक करवाते हैं।
कैमरे में छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी उंगलियाँ हैं, हमारे जैसे 10-20 आदमियों के बराबर एक एक उंगलियाँ हैं यहाँ पर। ये रोपवे है, यहीं से मतलब हम आए थे, और आते ही सबसे पहले आपको ये दिख जाता है। और यहाँ से जो व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ ऐसा कुछ दिख रहा है, आए थे तो बादल था लेकिन अभी क्लाउड्स ख़त्म हो चुके हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, कहाँ से आए हो आप लोग? राजस्थान, अजमेर। अजमेर, वो भी है अजमेर वाली, हमारी टीम है। अच्छा, हमारी टीम है। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छी जगह है। हाँ, बहुत प्यारी। इसके बाद यहाँ से मैं और आगे बढ़ा फेस टू की केबल कार के थ्रू और पहुंच गया वो हैरी पॉटर वाली दुनिया में। मात्र 2 मिनट में ही आ गए हैं फेस टू पे। बोलते चिच्छाओ नहीं, चलो चलो। इस नई नई दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और फ्रांस में नहीं हूँ मैं, यही पर बाना हिल्स में ही हूँ मैं, वियतनाम में। और ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच अपने मतलब राज करके गए थे, 1945 में वो छोड़ दिए थे यहाँ पे फ्रांस, मतलब फ्रेंच लोग, और छोड़ क्या दिए थे, इन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और बाकी उनका स्ट्रक्चर पर यहाँ पे है, और ये कुछ दिख रहा है, इसको रिनोवेट किया गया है, पूरा बनाया गया है, प्रॉपर बनाया गया है, एक तरह से ये नया नवेला ही है। इस पूरे माउंटेन पर कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, और जो टिकट आप लेते हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फ्री रोलर कोस्टर राइड भी मिलती है। इस राइड का आनंद उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, लगभग 1 घंटे आपको वेट करना पड़ सकता है, तो इतना टाइम आप रखें। और बाकी देखते हैं मज़ा आता है कि नहीं, और कैमरा वगैरह अलाउ है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। 1 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद अब मैं बिल्कुल पास में पहुंच चुकी हूँ रोलर कोस्टर राइड के, और ये छोटी छोटी सी कार्स मुझे दिखने लगी है। गया हूँ मैं इस पे, कैमरा वैसे अलाउ नहीं था बट मैं यूज़ कर ले रहा हूँ GoPro अपना, और कुछ ऐसी है ये राइड। ओ, इसके थ्रू ब्रेक लगाते हैं और बाकी चलते हैं ऐसे। ब्रेक भी लगता है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ करेंगे तो ब्रेक लगेगा, मतलब आपके हाथ में है हैंडल करना। ओ मज़ेदार है, कैसा लगा? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 1 घंटे लग के करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। उतर जा। पूरे दिन की ट्रिप में भूख तो लगनी ही है, और यहाँ पे ही मैं लंच कर रहा हूँ। आपके लिए मैं दिखा दूंगा कि लंच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियन और इसका इशू होता है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी क्या है देखते हैं। मैंने इंक्लूड करवा लिया था, आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, लेट्स सी। अरे मैंने भी दिया है पैसा, इसी ने नहीं दिया है। ओके थैंक यू। ओके इंडियन फूड बोला है इन्होंने, इंडियन फूड है यहाँ पे, लेट्स सी क्या मिलता है। जब आप एक्सपेक्ट करोगे आपको मिलेगा सिर्फ दाल चावल, वो भी बहुत मुश्किल से, और आपको मिल जाए पास्ता, वीगन पास्ता, वीगन फ्राइड राइस, और इतने सारे ऑप्शन, फ्रूट्स भी इतने सारे, तो भाई लॉटरी लग गई। मज़ेदार खाना है, इंक्लूड करवाना चाहिए आपको लंच, क्योंकि बाहर जो है ऑप्शन बहुत बेकार बेकार और बहुत महंगे मिलते हैं, इंक्लूड करवाना सही है। लंच के बाद आपको यहाँ पर पूरा टाइम मिलता है जिसमें आप बस टहलते हुए यहाँ के मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं और कई सारी फोटोज भी क्लिक करवा सकते हैं। तो ये वाली जो डे ट्रिप मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो इसी ट्रिप को नाइट वाले कॉम्बो में भी कर सकते हैं, मतलब दिन वाले में आना चाहते हो तो दिन में आ सकते हो, नाइट व्यू अगर देखना चाहते हो तो नाइट में भी आ सकते हो। फिलहाल बहुत प्यारी म्यूजिक चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और मतलब गुड गुड वाइब्स जो होती है वो आ रही है नाचने वाली। इतनी ऊंचाई में बसी हुई इतनी प्यारी जगह, इसका कुछ इतिहास भी तो होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका नाम क्यों पड़ा है वो बता देता हूँ, बाना हिल्स।
पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनाना के पेड़ हुआ करते थे, इस वजह से यहाँ का था बनाना हिल्स था, लेकिन वियतनामीज के मतलब लहजे में ये धीरे धीरे बाना हिल्स पड़ गया। अभी यहाँ की हिस्ट्री क्या है वो भी बता देता हूँ। पहले यहाँ पर फ्रेंच का राज हुआ करता था जब वियतनाम पे, तो फ्रेंच लोग नीचे जब डानांग में रहते थे तो वहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती थी, तो वो लोग यहाँ पर ठंड के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो गए, मतलब कुछ यहाँ पर अपना एक तरह से हिल स्टेशन उन्होंने बना लिया, डेवलप किया। यहाँ तक इवन ट्रेन भी आती थी और यहाँ पर रोड भी थी, बट सन 2000 में इसको डेवलप कर दिया गया पूरी तरह से टूरिस्ट के लिए, और केबल कार के थ्रू ही लोग आने लगे, और धीरे धीरे इसमें कई फेज़ बने और आज कई काफ़ी दूर तक केबल कार जाती है यहाँ से, तो कुछ इस तरह से इसका डेवलपमेंट हो गया। तो पहले एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंच लोगों ने इस जगह को बसाया था, इसका इसकी खोज की थी, डेवलप किया था थोड़ा सा, फिर उसके बाद में सन ग्रुप कंपनी आई और उन्होंने पूरा यहाँ पर डेवलप किया और ये आज कुछ ऐसा खूबसूरत दिखता है। और यहाँ इतनी ऊँचाई पर ये जगह है और मतलब हज़ारों टूरिस्ट डेली यहाँ पर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। बाकी और भी जगह यहाँ पे घूमते हैं, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, हर एज ग्रुप को बाना हिल्स की ये ट्रिप पसंद आएगी। और वियतनाम का ये रूप आपको केवल डानांग सिटी में ही देखने को मिलता है। यहाँ तक आने की एंट्री टिकट क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस ब्रिज को अगर यहाँ तक पहुँचना है केवल एडमिशन टिकट आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको लगभग 2500 से 3000 रुपये तक पे करने पड़ सकते हैं। और अगर आप अपने होटल से पिक एंड ड्रॉप पूरा लेते हैं तो पूरा टूर वगैरह हो जाता है उसमें आपका, वो आपका लगभग 4500 तक में होता है। और अगर आपको लंच वगैरह भी इंक्लूड करवाना है, पूरा ही पैकेज लेना है एकदम, तो आपका 5000 में काम हो जाता है। तो 5000 में आप यहाँ पर आ सकते हैं, पिक ड्रॉप रहेगा, यहाँ लंच इंक्लूड हो जाएगा और ये खूबसूरत सा ब्रिज भी आप देख लोगे और पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी, मतलब टूर गाइड भी आपको मिलते हैं। तो बाना हिल्स की ट्रिप आप ज़रूर करें, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। डानांग में एज सच बहुत ज़्यादा प्लेसेस नहीं है, जो भी है नेचुरल प्लेस है। हाँ, ये भी नेचुरल प्लेस है पर इसको मैनमेड भी कर दिया है, हिस्ट्री भी इसकी सॉलिड है, तो यहाँ आएंगे तो अच्छा लगेगा। और बादल बादल हो जाते हैं तो और भी प्यारा मौसम लगता है, हवा बहुत शानदार लग रही है यहाँ पर। सो थोड़ी खर्चीली जगह है 5000 रुपये पर, भाई इतना दूर आ रहे हैं, फॉरेन में ट्रिप कर रहे हो तो भाई 5000 रुपये तो खर्च करने पड़ेंगे, और ये मतलब वर्थफुल है, पूरे डे की ट्रिप भी तो होती है 5000 रुपये में, तो खाना पीना भी इंक्लूड हो जाता है, तो पैसा वसूल है, वर्थफुल है, आपको आके लगेगा कि हाँ भाई वसूल हो गया, मज़ा आ गया। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सस्ता वाला भी रूम यहाँ पर दिखाऊंगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, ये आप अगर देखोगे यहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर कई सारे होटल्स हैं। ये लोकेशन जो है वो है माई खे बीच का एरिया, और यहाँ से बीच केवल और केवल यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। और अंदर रूम पहले आपको दिखा देता हूँ, ये रूम अगर आप देखोगे डबल बेड रूम है और बेसिक एमिनिटीज़ वगैरह है, टीवी है, फ्रिज है, और इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे चाय कॉफ़ी वगैरह का अरेंजमेंट है, और यहाँ पे वॉशरूम कुछ ऐसा है और बाकी टॉयलेट वगैरह इधर है। सो बेसिक एमिनिटीज़ के साथ अच्छा रूम है, और ये आपको जनरली यहाँ पर आपको 2000 से 3000 रुपये की रेंज में ऐसे कई सारे यहाँ पर रूम्स मिल जाएंगे। जो बुकिंग मैंने करवाई है वो मैंने पैकेज लिया हुआ है, और मैंने लिया है लिली ट्रैवल्स के थ्रू, और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपको बहुत अच्छी सर्विस मिल जाएगी और ईजिली आप कॉन्टैक्ट करके प्राइस का पता कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे कई सारे होटल्स हैं, तो लोकेशन वाइज ये बहुत ही बेस्ट एरिया है आपके लिए रुकने के लिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आसपास में भी है और बीच भी है पास में, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा स्टे के लिए। डानांग में मेरे होटल के पास में ही बीच भी था, और सुबह दोपहर शाम आपका जब मन करे यहाँ के बीच पर जा सकते हैं, जहाँ इवनिंग में बढ़िया डांस परफॉर्मेंस के साथ आप अपनी शाम को हसीन बना सकते हैं। डानांग में आज एक और जगह जा रहे हैं और ये सीक्रेट है, चलते हैं। आज मैं डानांग के मार्बल हिल्स पर जाने वाला था, जहां पर आपको केव्स का एक्सपीरियंस मिलता है, जिसके लिए आपको 10 मिनट सीढ़ियों पर चढ़ाई करनी होती है। मार्बल माउंटेन में अभी मैं थोड़ा ऊपर आया हूँ और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, एक टेंपल है, बुद्धिस्ट स्टैचू है, और ऊपर जाएंगे तो एक पगोडा मिलेगा, यानी कि स्तूप है।
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे यहाँ जानने को मिला है हमारे गाइड के थ्रू, उन्होंने बताया कि वियतनाम की जो पॉपुलेशन है उसमें केवल 12% बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग हैं और जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं, मतलब कि कोई रिलीजन ही नहीं है। तो केवल 12% लोग ऐसे हैं जो पूरे वियतनाम में बुद्धिस्ट धर्म का पालन करते हैं, बाकी तो ऐसे ही है। सो अभी यहीं पर आए हैं और ऊपर देखते हैं जा सकते हैं, गर्मी बहुत है, बड़ा अजीब सा यहाँ का एटमॉस्फियर है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। मार्बल माउंटेन्स की केव में आपको कई सारे फैक्ट्स के साथ यहाँ का पूरा गाइडेड टूर मिलता है, जिसमें आपको पता चलेगा कि पहले यहाँ पर हिंदू रिलीजन के लोग ही रहा करते थे, जिनको वियतनाम में चिम्बीबू कहा जाता था, और इस केव में ही आपको एक शिवलिंग भी देखने को मिलता है। वहीं इस केव का सबसे खूबसूरत पार्ट अब आने वाला था। अब जिस केव में मैं आया हूँ ये इस पूरे माउंटेन की सबसे बिगेस्ट केव है, और यहाँ के लाइटिंग्स और यहाँ का स्ट्रक्चर स्कल्पचर देख के आपको वाकई में ये पसंद आएगा। मैं यहाँ आ नहीं रहा था बट जो हमारे गाइड हैं उन्होंने बोला कि आप आओ, आपको पसंद आएगा, और वाकई में मुझे पसंद आया। अंदर ये टेम्पल बनी हुई है यहाँ पे छोटी सी, और इसके अलावा इधर भी बनी हुई है, तो अल्टीमेटली ये देख के वाकई में मन खुश हो गया। तो आप कह सकते हो ये यहाँ का जो बेस्ट प्लेस है वो यही केव है, और इसको आप मिस मत करना, मजा आएगा आपको यहाँ पर आके और ये देखकर। और इन सब के बाद मार्बल माउंटेन्स से आपको डानांग का खूबसूरत व्यू भी देखने को मिलता है। मैं आ चुका हूँ डानांग में एक इंडियन रेस्टोरेंट में, और ये है नगु हान सन एरिया नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इजीली आप आ जाओ। यहाँ पे कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पे फिलहाल मैंने मंगाया है ये एक दम बिरयानी, ओपन करते हैं, और इसके साथ ये हनी चिली पोटैटो भी है। ये तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देखिए डिलीशियस है, और ये रायता के साथ सर्व हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर जो चिली पोटैटो है हमारे तरह इंडिया की तरह नहीं है कि आपको लंबी लंबी कट पीस होंगे, यहाँ पे थोड़े मोटे मोटे जैसे कि मंचूरियन में होता है या पनीर वाले में होता है वैसा कुछ है। ट्राई करते हैं, काफ़ी पसंद आएगा आपको, और इवन प्राइस वाइज अगर देखें तो वो भी काफ़ी जेन्यून है। ये आपको 89,000 अराउंड 320 टू 340 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा हनी चिली पोटैटो, और ये मिलेगा आपको दम बिरयानी है, ये भी आपको लगभग 400 से 450 रुपये की रेंज में है। तो प्राइस वाइज बहुत जेन्यून है, और यहाँ पे आसपास में कई सारे रेस्टोरेंट है, तो इस एरिया में आप आएंगे तो ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे आपको। डानांग से लगभग 30 किलोमीटर दूर होई अन नाम की जगह पड़ती है, और यहाँ के जैसी नाइट लाइफ मैंने तो अपनी लाइफ में कभी ना देखी थी। होई अन की ये पूरी जो नाइट की मार्केट है मेरी तरफ से मस्ट रिकमेंडेड है, जरूर आए यहाँ पर, आपको बहुत मजा आएगा, वर्थफुल है। कभी देखी थी ऐसी प्लेस? मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखी थी, और बिल्कुल पहले सोचा था पता नहीं इंस्टाग्राम पे आते फर्जी चीजें दिखा देते हैं, लेकिन ये तो सच में मस्त है। यहाँ पे एक पे एक फ्री वाली मसाज भी हो रही है। बिल्कुल यहाँ पे मतलब क्लबिंग वगैरह के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, खाने पीने के लिए आ सकते हैं तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पर, व्यूज के लिए आ सकते हैं, जस्ट वॉक करने के लिए आ सकते हैं तो वो भी है, और खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आराम से मतलब आप 1,000 रुपये में यहाँ से आना जाना कर ले और काम हो जाएगा आपको, वर्थफुल प्लेस है। मतलब नाइट में ही आए, लेकिन हाँ नाइट में आए यहाँ पर, क्योंकि कुछ मजा नहीं आएगा। लाइटिंग तो भाई साहब इतनी शानदार है कि मन खुश हो जाएगा यहाँ पर, और एकदम अलग नाइट लाइफ दिखेगी जो शायद मैंने भी ऐसी नहीं देखी है, एक अलग ही लैंटर्न, हाँ क्लासिक, और लैंटर्न वगैरह जलते रहेंगे ऐसे, मतलब बहुत मजा आएगा, बहुत खूबसूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एडल्ट वाली है, वैसी नाइट लाइफ नहीं है, बट बहुत ही डिसेंट और बहुत ही क्लासी जिसे बोलते हैं। मस्ट रिकमेंडेड, मस्ट विजिट, ये प्लेस है, जरूर आना आप यहाँ पे। और इस नाइट लाइफ का चार्म है यहाँ की बोटिंग, जिसमें लैंप्स के बीच बोटिंग का ऐसा एक्सपीरियंस मुझे केवल यहीं पर देखने को मिला। डानांग में इसके अलावा ड्रैगन ब्रिज और कुछ कैसीनो भी हैं। सो हमने यहाँ पर क्या क्या कपड़े लिए आपको दिखा देता हूँ, एक शर्ट लिया, एक ये पैंट लिया है, और यहाँ पर ये पूजा के लिए लिया हुआ है ये कपड़े, ये वाला सेट, ये वाली ड्रेस है, सेट है पूरी।
इन्होंने हमें दाम बताया लगभग 550, मतलब 550,000, मतलब आप मान लो, कैलकुलेशन भी करना बड़ा मुश्किल होता है, 350 का 5 गुना आप कर लो, 7 × 2 = 1400, लगभग 1800 रुपये के आसपास का रेट बताया, पर हमने उसको कम करवाया और 3 लाख रुपए दे रहे हैं, यानी कि और 3 लाख में ये पूरा ले रहे हैं, मतलब कि हमने ये ले लिया लगभग 1000 में सारी चीज़ें, तो इतनी बार्गेनिंग करवा दी, तो जो भी आप लें हाफ़ करवा लें, और थोड़ा अनानुकूल होगा पर करवा ज़रूर लें। ये मुझे लगता है 250 में भी डील हो जाती है। हाँ शायद हो जाती है, ये ऐसा लगता है हमेशा हम लोगों को, पर ठीक ठाक रेट मिला हमारे हिसाब से। आप भी आओ तो इनसे ले लेना। हाँ, ये आंटी दीदी से जैसे ही हो, कौन से मार्केट में? OEN में मार्केट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मार्केट? मार्केट है आला ओके मार्केट। नेम मार्केट नेम होयन। होयन मार्केट ही है यहाँ पे, आंटी भी मिलेंगे। सेकंड शॉप ही है यहाँ पे, आप ले सकते हो। बाय चीप नाइ। थैंक यू। ओयो फार्म इंडिया। इंडिया यस। वियतनाम के हनोई और हो ची मिन सिटी की वीडियोस आपने चैनल पर पहले ही देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वियतनाम के इस पूरे हनोई, हो ची मिन और डानांग की नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में आपको कंप्लीट आइटनरी और बजट के साथ भरपूर गाइडेंस मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।